दोस्तों स्वागत है एनी मॉडिमिस्टिफाइड पे। आपने अक्सर न बौद्धों को हिंदू देवी देवताओं को काल्पनिक बताते हुए उनका मजाक उड़ाते हुए देखा होगा। आज हम बताएंगे कि इनके धर्म ग्रंथों में भी कैसा पाखंड और गप्पे भरी पड़ी है। आज हम इनके धर्म ग्रंथ ललित विस्तर से ही कुछ चीजें देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम ललित विस्तर नामक बौद्ध ग्रंथ से, जिसका अनुवाद किया है शांति भिक्षु शास्त्री ने, जो स्वयं PhD है। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 12 और 13 पर इनका फर्जी वाला, 12 और 13 पर इनका पाखंड, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है। पर ललित विस्तर के कवि के अनुसार बोधिसत्व का शरीर प्रारंभ से ही परिपूर्णांग हो, माता की दाहिनी कोख में सहज उत्पन्न कूटाकार में पर्यंक पर विराजमान होता है। वहां देवता आ आकर उपासना करते हैं, नाना दिशाओं से आकर अन्य बोधिसत्व उपासना करते हैं। उस गर्भवास में भी बोधिसत्व धर्म से देवगणों तथा बोधिसत्व गणों का अनुशासन करते हैं। जब बोधिसत्व महामाया देवी के गर्भ में थे तब उनमें भी अनेक दिव्य शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ था। रोगियों को यदि छू देती थी तो उनका रोग दूर हो जाता था, उनके हाथ का दिया तिनका भी भैषज बन जाता था। इस प्रकार दिव्य भाव से गर्भ में निवास करते हुए लुम्बिनी वन में देवगणों से अभिनंदित नाना प्रकार की चमत्कारी घटनाओं से पूर्ण तथागत का जन्म हुआ। विक्रम विष्णु से भी बढ़कर बताने के लिए कवि भाषा में यह भी कहा गया कि उत्पन्न हुए तथागत 7 कदम चले, पैदा होते ही वो 7 कदम चल रहे। इस तरीके की कप्पे भरी पड़ी है आपके बौद्ध ग्रंथों में। धन्यवाद।